हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पुष्पलता किचन। पुष्पलता किचन को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ लेफ्ट ओवर रेसिपी शेयर कर रही हूँ। अगर आपके दाल चावल बच जाते हैं तो आप उसको फेंकिए नहीं, उससे आप एक नई रेसिपी बना सकते हैं। तो चलिए बताती हूँ मैंने क्या बनाया है। तो मैंने फ्रेंड्स, देखिए ये दाल और चावल बचा हुआ है थोड़ा थोड़ा, तो मैं इसका बनाऊँगी थेपला, जो कि बहुत ही अच्छा बनता है। तो मैंने राइस को लूँगी, ग्राइंड कर लूँगी, इसका थोड़ा सा पेस्ट जैसा बना लूँगी मैं पहले। उसके बाद मैं इसको देखिए निकाल लूँगी साइड में, एक साइड में रखूँगी। फिर मैं वन बाउल में यहाँ पे फ्लोर लूँगी, और ये व्हीट फ्लोर। और उसके बाद इसके अंदर जो मसाले डालूँगी, ये सारे मसाले हल्दी, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, तेल, नमक, अजवाइन और कोरिएंडर चॉप किया हुआ। और उसके बाद मैं आटे में मोयन लगाऊंगी ताकि हमारा पराठा थेपला जो है वो काफ़ी खस्ता बने। और जो हमने ये मसाले लिए हैं उसको भी मैं इसके अंदर ऐड कर लूँगी और अच्छे से इसको मैं मिला लूँगी, क्योंकि ये अच्छे से जब मिला लेंगे उसके बाद जो हमने राइस को ग्राइंड किया है उसको मैं इसके अंदर मिलाऊंगी तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है, इतना सॉफ्ट पराठा बनता है। और ये मैंने कोरिएंडर पाउडर को भी यहाँ, और चॉप किया हुआ धनिया मैंने इसके अंदर ऐड किया है, इसको भी मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और फ्रेंड्स, जो नॉर्मल पराठे हम बनाते हैं उससे ये पराठा बहुत टेस्टी बनता है, और इस ये एकदम गुजराती फ्लेवर में मैं बना रही हूँ। और गुजराती थेपला, और गुजराती थेपला की और भी रेसिपी मेरे चैनल पे हैं, पालक थेपला, मेथी थेपला, तो आप ज़रूर उसको भी देखें, लिंक मैं दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो ये फ्रेंड्स देखिए, मैंने जो दाल हमारे पास है उसी से मैं आटा को रेडी करूँगी, जो मैंने दाल बची हुई है इसी से हमें डो रेडी करना है। तो अब मैं थोड़ा थोड़ा करके दाल मिलाती जाऊँगी और डो को मैं रेडी करती जाऊँगी। तो इस तरह से अगर आप बनाते हैं तो बहुत टेस्टी बनेगा। तो देखिए ये मैंने पूरा अच्छे से मिक्स कर लिया है और मैं अच्छे से इसका डो रेडी करके और सेट होने के लिए थोड़ी देर के लिए मैं रख दूँगी। तो हमारा बहुत अच्छे से डो रेडी। डो हमको एकदम वैसे ही बनाना है जैसे कि हम पराठे के लिए बनाते हैं, बहुत अधिक पतला भी नहीं करना है और बहुत हार्ड भी नहीं रखना है। और देखिए ये एकदम डो हमारा परफेक्ट रेडी हो गया है। अब इसको हम थोड़ी देर के लिए सेट करने के लिए छोड़ दूँगी मैं ढक कवर करके। उसके यहाँ पे मैंने थेपला को बना के और उसको मैंने सेकने के लिए डाल दिया है, और इसको हमको नॉर्मली जैसे हम पराठे बनाते हैं उस तरह से घी लगा के फोल्ड करके नहीं बनाना है, डायरेक्ट हमको बेल के बनाना है और थोड़ा पतला रखना है। और अभी हमने इसको देखिए अब सेक लूँगी मैं दोनों साइड से, और ऑयल लगा के, घी लगा के, जो भी आपके जो भी आपको पसंद हो वो लगा के आप सेक सकते हैं दोनों साइड से, बहुत अच्छा और सॉफ्ट और क्रिस्पी जैसा बनता है। तो इस तरह से हम इस पराठे को बना लेंगे थेपले को। देखिए फ्रेंड्स, हम एक लेफ्ट ओवर रेसिपी से एक न्यू रेसिपी बना लेंगे और बहुत अच्छा, और बहुत अच्छा भी लगेगा, बच्चे एकदम बहुत मन से खाएंगे क्योंकि इतना अच्छा होता है, इतना अच्छा टेस्ट होता है उसका। दाल चावल दोनों ही हमको इसमें मिल जाएंगे। तो कभी भी ऐसा हो तो आप इस तरह से ये थेपला बना सकते हैं, गुजराती थेपला। फिर इसको हम निकाल लेंगे और इसी तरह से सारे थेपले हम बना लेंगे। इसी तरह से मैं दूसरा पराठा थेपला भी बेल के और देखिए मैंने डाल दिया है, और इसको भी हम इसी तरह से सेक लेंगे दोनों साइड से बनाने के बाद से, और हमारा बहुत अच्छा थेपला रेडी हो जाएगा। और हम इसको किसी भी के साथ खा सकते हैं, सॉस के साथ, चटनी के साथ, सब्जी के साथ, किसी के साथ भी आप सर्व कर सकते हैं, ब्रेकफास्ट में खा सकते हैं, लंच बॉक्स में दे सकते हैं, बच्चों के लिए हेल्दी ब्रेकफास्ट हो जाएगा। तो इसको इस तरह से आप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा ये जो है दाल चावल का थेपला रेडी हो गया है। तो चलिए मैं सर्व करके दिखाती हूँ आपको। तो फ्रेंड्स, हमने सर्व कर दिया है, मैंने चटनी के साथ सर्व किया है और बहुत ही टेस्टी बना है। तो फ्रेंड्स, आप ज़रूर ट्राई कीजिए और ये हेल्दी थेपला की रेसिपी।
फ्रेंड्स, आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको रेसिपी पसंद आती है तो शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो फिर मिलती हूँ एक नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।